आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है, विच वन इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड एंगल, PF3 हैविंग बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन PCl3, OCl2 हैविंग बॉन्ड एंगल इक्वल्स टू ClO2, NF3 हैज बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन NH3, PCl3 हैज ग्रेटर देन PF3 बॉन्ड एंगल। तो हमारा जो पहला कंपैरिजन है PF3 PCl3 के लिए, उसके लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फॉस्फोरस है वो सेंट्रल एटम है, और हमारा सराउंडिंग एटम्स जो हैं वो फ्लोरिन एंड क्लोरिन है। तो दोनों के दोनों हैलाइड्स हैं, सेम ग्रुप एलिमेंट्स हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन में इनका कोई फर्क नहीं होगा, इसलिए हम लोग एक बार पहले इनका हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। तो PF3 हो या फिर PCl3, दोनों का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि फास्फोरस नाइट्रोजन के ग्रुप का होता है तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 होगा। फ्लोरिन क्लोरिन दोनों हैलाइड्स हैं, दोनों में से किसी का एक का भी निकाल लेंगे तो दूसरे का भी हमें मिल जाएगा। 7 × 3 डिवाइडेड करने से नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स लोन पेयर्स आ जाएंगे 26/8, 3σ+1 लोन पेयर आया हमें, इस तरह से हमें मिला sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारा जो PF3 मॉलिक्यूल होगा वो एक लोन पेयर और 3σ के साथ कुछ इस तरह से दिखेगा, और PCl3 हमारा एक लोन पेयर और 3σ के साथ कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब इनमें हमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। तो फ्लोरीन इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो है वही हमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करने में मदद करेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। तो फॉस्फोरस तो दोनों में सेंट्रल एटम है, तो कंपेयर करने के लिए हमें सराउंडिंग एटम्स देखने होंगे। तो यहाँ पर फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आती है वो आती है 4, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारी 3.1 के आसपास आती है। तो इस तरह से हमारा फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और छोटा एलिमेंट भी है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, फ्लोरीन फॉस्फोरस से अपने ओर खींच लेगा, तो कुछ इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगा, और यहाँ पर क्लोरीन भी फॉस्फोरस से खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन बनिस्पत फ्लोरीन के या कुछ बॉन्ड एंगल के बीच में दिखेगा हमें, फॉस्फोरस के पास दिखेगा, सराउंडिंग एटम से थोड़ा दूर दिखेगा और सेंट्रल एटम के पास दिखेगा। तो यहाँ पर जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ यहाँ वाले आर्क लेंथ से ज़्यादा है, यहाँ छोटा कम आर्क लेंथ है, क्योंकि ये सेंट्रल एटम के पास इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी आ रही है PF3 के बनिस्पत। तो यहाँ पर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन PCl3 इज नियरर टू सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम से PCl3 का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है PF3 के बनिस्पत ज़्यादा पास है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन PCl3 नियरर टू सेंट्रल एटम देन PF3, क्योंकि PF3 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है फॉस्फोरस के ज़्यादा नज़दीक आएगी। तो आर्क लेंथ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा है, तो अगर रिपल्सन होगा भी तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास पास होंगे तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, और यह जो बॉन्ड्स होंगे थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे, इस तरह से बॉन्ड एंगल हमारा ज़्यादा आएगा PCl3 के लिए। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन PCl3 इज नियरर टू सेंट्रल एटम देन PF3 द बॉन्ड एंगल ऑफ PCl3 विल बी ग्रेटर देन PF3, PF3 से ज़्यादा आएगा हमारा। अब तो उस तरह से जो हमारा PF3 का बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन PCl3 का, तो यह तो गलत हो गया, और वही चौथा ऑप्शन PCl3 का बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन PF3 वह इसी स्टेटमेंट से सही आ गया। अब अगले कंपाउंड्स के लिए देखते हैं, OCl2 एंड ClO2। तो OCl2 एंड ClO2 के लिए हमें देखना है, तो OCl2 जो कंपाउंड है उसका हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए हम लोग 6+7 × 2 डिवाइडेड बाय 8 एंड 7+6 × 2 डिवाइडेड बाय 8, यह हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के कैलकुलेशन से निकाल रहे हैं, 20/8, 19/8, तो यहाँ आ गया 2σ+
टू लोन पेयर, और यहाँ आ गया टू सिग्मा प्लस वन लोन पेयर प्लस वन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो यह बॉन्ड एंगल को छोटा करने में ज़्यादा सहायक नहीं हो पाएगा, जबकि लोन पेयर्स होते हैं उनका रिपल्सन बहुत ही ज़्यादा होता है। और इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए OCl2 की, तो Cl एंड दो लोन पेयर्स कुछ इस तरह से होंगे, और यहाँ पर हमारे ClO2 में वन लोन पेयर वन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी और ऑक्सीजन होंगे। तो यहाँ पर दो लोन पेयर का रिपल्सन है और यहाँ पर एक ही लोन पेयर का रिपल्सन है, तो रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से यह बॉन्ड्स पास आ जाएंगे और यहाँ पर ज़्यादा पास नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह से जो हमारा ClO2 का बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल ऑफ ClO2 इज ग्रेटर देन OCl2 आ गया। और हमारा जो आखिरी कंपैरिजन है, हमारा जो आखिरी कंपैरिजन है वो है NF3 और NH3 के बीच में, NF3 NH3 के बीच में। तो जो हमारा फ्लोरीन, फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना होगा हमें, क्योंकि सेंट्रल एटम इस बार सेम है, यहाँ पर सेंट्रल एटम हमारा अलग अलग था, इसलिए कंपैरिजन बहुत ही आसान था, सिर्फ लोन पेयर्स के रिपल्सन से हमने कंपेयर कर लिया। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लेते हैं। फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 आती है, हाइड्रोजन के लिए 1 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आता है, तो 1 ही लेके चलते हैं। यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, तो BBT में हम लोग हाइड्रोजन को भी हैलाइड्स की तरह लेकर ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 की ज़रूरत होती है इसे बॉन्डिंग को पूरा करने के लिए, 26 बाइट, और यहाँ भी 26 बाइट, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर दोनों के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है, दोनों का शेप सिमिलर होता है, ट्रायंगुलर पिरामिडल होता है। तो ये कुछ इस तरह से एक लोन पेयर और 3 फ्लोरिन के साथ दिखेगा, और हमारा जो NH3 है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर अगर कंपेयर किया जाए तो फ्लोरीन अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैरी करके रखेगा, क्योंकि नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वहीं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से बहुत ही कम होती है, तो यह सेंट्रल एटम के पास इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा। तो यहाँ पर आर्क लेंथ फिर से ज़्यादा आ गई, और यहाँ पर आर्क लेंथ बहुत ही कम है, आर्क लेंथ कम होने की वजह से यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास पास होंगे और उसमें रिपल्सन बहुत ही ज़्यादा होगा, और यहाँ पर आर्क लेंथ ज़्यादा होने से रिपल्सन का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो फिर से हम लोग ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नियरर टू सेंट्रल एटम इन NH3 देन NF3 कॉमा NH3 हैज़ हायर बॉन्ड एंगल देन NF3। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ कि NH3 का बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन NF3 का बॉन्ड एंगल, जबकि हमें जो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया था, जबकि हमें जो क्वेश्चन में दिया गया था कि NF3 हैज़ अ ग्रेटर बॉन्ड एंगल देन NH3, या तो गलत हो गया। तो इस तरह से हमें सिर्फ जो पहला कंपैरिजन था, जो हमारा पहला कंपैरिजन था PF3 PCl3 वाले में, वही काम आएगा, और हमारा PCl3 का बॉन्ड एंगल PF3 से ज़्यादा आया था, तो ये आया था हमें PCl3 का बॉन्ड एंगल हमें PF3 से ज़्यादा आया था, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4 बॉन्ड एंगल इज 4th, जिसमें कि PCl3 इज ग्रेटर देन PF3 की बात की गई है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।